चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी की सजा। सिरोही जिला के पॉक्सो विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी फांसी की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार सितंबर 2020 में 8 वर्षीय बालिका की जिले के तेलपीखेड़ा गांव में दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या की गई थी, जिसमें आज ये अहम फैसला न्यायाधीश अजिताभ आचार्य ने सुनाया। मामले में पैरवी लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने की। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में 25 सितंबर को जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में तेलपीखेड़ा गांव में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई, जिसके बाद कई दिन तक आरोपी फरार रहा था और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गांव के ही आरोपी नौका पुत्र भारमा राम को गिरफ्तार किया। वर्ष 2020 में मामले को लेकर जिले भर में रोष था और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग उठी थी। मामले की गंभीरता और मौजूद सबूतों और बयानों के आधार पर मामले में आज विशेष न्यायालय पॉक्सो द्वारा फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड का फैसला सुनाया। एक्ट में आजकल नवीन संशोधन जो हुआ है वो 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ में अगर बलात्कार किया जाता है तो उसमें भी फांसी का प्रावधान कर दिया गया है। जबकि इसमें तो 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ बलात्कार करने के साथ 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 उसका गला घोटकर क्रूरतम हत्या की है। इसलिए इसमें ये दोनों अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर थे और दुर्लभ से दुर्लभतम मामले को पाते हुए न्यायालय ने इसे दिया है। 25/9/2020 को पुलिस थाना अनादरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। 25/9/2020 की घटना है। इसमें इस घटना के अंदर क्या हुआ था कि गांव तेलपीखेड़ा में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ में नौकरों वो भारमा अभियुक्त है, उसने जघन्य अपराध कारित किया था और काफ़ी ब्रूटल तरीके से बलात्कार कर उसकी हत्या कारित की थी, जिस पर 26/9/2020 को मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान अधिकारी रेदुरवर्त के श्री नरेंद्र सिंह जी ने जिस स्टैंडर्ड का अनुसंधान होना चाहिए, जिस हिंसक अपराध को लेकर उस स्टैंडर्ड के अनुसार अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया था। अभियोजन की ओर से कुल 24 गवाह न्यायालय में पेश करवाए गए। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश करवाई गई उस साक्ष्यों से न्यायालय सहमत हुआ। प्रकरण पूरा सरकमस्टांस एविडेंस पे और लास्ट सीन पर निर्भर था और जो सरकमस्टांस एविडेंस और लास्ट सीन के आधार के बजाय उसके अलावा मेडिकल एविडेंस की से भी मुलजिम की पुष्टि हो रही थी कि उसने उस पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। इन सब जो अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है उनको सहमत होकर न्यायालय ने मुलजिम को दोषित किया और प्रकरण दोषित करने का प्रकरण को दुर्लभ से दुर्लभतम मामला मानकर मुलजिम को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। और आज का दिन सिरोही जिले का एक न्याय का दिन रहा है, काफ़ी ऐतिहासिक फैसला रहा है, पीड़िता को न्याय मिला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।